Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम। आज स्पेशल में आपको कहेंगे खुश आमदीद, मैं हूं अरबाब जहांगीर। नाज़रीन, 11 सितंबर 2012 को बल्दिया कराची के बल्दिया के इलाके में एक फैक्ट्री में आग लगी और इस हौलनाक आतिशजदगी के नतीजे में 250 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे, अपनी जान से चले गए। और जब तहकीकात की गई तो पता ये चला कि उस वक्त के MQM के रहनुमा हम्माद सिद्दीकी के कहने पर ये आग लगाई गई थी। और उसके बाद अदालत में जब यह केस गया तो फिर हम्माद सिद्दीकी को अदालत ने मफरूर करार दिया। उसके बाद उनके रेड वारंट भी जारी किए गए। गुज़िश्ता रोज़ हम्माद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया गया, दुबई में उनको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान उनको नहीं लाया जा सका। और अभी भी ताज़ा खबर यह है कि FIA की जो टीम है वो अभी भी हम्माद सिद्दीकी को लेने के लिए दुबई रवाना नहीं हो सकी है। लेकिन इस तमाम तर सूरत में एक दिलचस्प बात यह देखने में आई कि पाक सरजमीन पार्टी के सरबरा मुस्तफ़ा कमाल ने हम्माद सिद्दीकी को हमेशा डिफेंड किया, हमेशा उनकी हिमायत की। और उनका तो यहां तक कहना था कि अगर हम्माद सिद्दीकी पर इल्जाम साबित हो तो उन्हें फांसी दे दी जाए या उन्हें उस वक्त पूरी कौम के सामने आएंगे और कौम से माफी भी मांगेंगे। क्या कहना था उनका, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में एक क्लिप हम आपको दिखाते हैं मुस्तफा कमाल साहब का, जो कि शहजाद इकबाल से गुफ्तगू करते हुए। पहले आप एक क्लिप देखिए, वापस आकर भी बात करते हैं। हम्माद सिद्दीकी पार्टी कारकुन नहीं, हम्माद सिद्दीकी पार्टी में शामिल भी नहीं, इसके बावजूद इतनी हिमायत क्यों, ये सवाल जाहिर है कि खड़ा होता है। और इस वक्त पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा वसीम आफ्ताब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। वसीम आफ्ताब साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। मुस्तफा कमाल साहब इतना आगे जाकर हम्माद सिद्दीकी की हिमायत क्यों कर रहे हैं जबकि उनका तो पार्टी से भी कोई ताल्लुक नहीं है? शाने बल्दिया एक बहुत बड़ा सानिया है और इसमें आपने आपने हम सब ने देखा कि 200 अफराद से ज्यादा इसमें जहाँ बाग हो गए, उसके मुतासरीन आज भी इमदाद के लिए दर बदर मारे मारे फिर रहे हैं और हुकूमत उनको उनके मुआवजा भी नहीं दे रही है। न सिर्फ इनको मुआवजा दिया जाना चाहिए बल्कि इस केस को इसके मंतकी अंजाम पर पहुँचने चाहिए और कानून को, इंसाफ को, अदल को अपना रास्ता लेना चाहिए। इसमें कहीं भी किसी के साथ कोई झोल या रियायत नहीं होनी चाहिए। इसमें अगर मैं या मुझसे जो भी उसकी सियासी वाबस्तगी हो ना हो, फिर जो किरदार है वो सामने आने चाहिए। आज पाकिस्तान में बहरहाल वो हालात हैं, हम ये कह सकते हैं कि आज कम अज कम अदालत में इंसाफ हो रहा है, आज छोटे और बड़े दरमियान का फर्क शायद कम होता हुआ नजर आ रहा है, तो लोगों को एतमाद भी है। तो हम भी ये चाहेंगे कि इस केस को, बहरहाल ये एक हाई प्रोफाइल केस है और हमारे मुल्क की तारीख में अमूमन ये होता रहा है कि जो पतली गर्दन वाले लोग होते हैं उनको सूली चढ़ा दिया जाता है। हमारी डिमांड ये है, क्योंकि हम ये समझते हैं, हमारा यकीन है कि हम्माद सिद्दीकी इसमें इन्वॉल्व है, सिर्फ इसी वजह से हम ये बात कह रहे हैं। अगर कानून कैसे है, कैसे यकीन है, इनकी तहकीकात चल रही है। अच्छा, मैंने भी ये कहा ना कि और मुस्तफा भाई ने भी यही बात की है कि मेरा यकीन ये है कि उसने नहीं किया है। हाँ, अगर हम्माद सिद्दीकी ये एक्सेप्ट कर लेगा तो डेफिनेटली मैं फिर कौन से माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जिन हालात के अंदर ये वाकयात हुए हैं उसके अंदर यकीन जो हम समझते हैं, देखिए ना, बड़ा मुश्किल होता है कि किसी मुश्किल हालात में जब पूरी दुनिया किसी आदमी को बुरा कह रही हो आप उसको कहने ये बुरा नहीं, अच्छा है, मुश्किल काम होता है। हमारे लिए भी बड़ा आसान था ना कि वो हमारी पार्टी का कारकुन नहीं है, हमारा जिम्मेदार नहीं है, हम बोल जान छोड़ाते उससे, बोलते अच्छा है चला जाए, हमारे से क्या है। लेकिन हमें यही तो करना है इस माशरे में, इस माशरे की रिवाज को तब्दील करने के, भाई आप किसी हाई प्रोफाइल केस के अंदर किसी गरीब आदमी को इसलिए ना सूली पे चढ़ा दें, पूछने वाले नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि बिल्कुल वसीम साहब, दुबई में कोई रहने वाला जो सालों से दुबई में रह रहा हो गरीब होता है? वो जो कि इतने अरसे MQM की तंजीमी कमेटी का इंचार्ज भी रहा हो वो गरीब हो सकता है? मैं ये कह रहा हूँ कि जिसकी पतली गर्दन है, जहाँ मोटी मोटी गर्दन वाले भाई, मैं उसको एक विस्तारण इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आज इंसाफ हो रहा है ना, मैं आपके साथ हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आज इंसाफ हो रहा है, अदालतें खुली हैं, बिल्कुल साफ शफाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर कोई मुजरिम है तो उसके साथ कहीं कोई रियायत नहीं बरतनी चाहिए। लेकिन भाई वसीम साहब, इन्वेस्टिगेशन से पहले हम किसी को कैसे क्लीन चिट दे सकते हैं? जब तक हम्माद सिद्दीकी को इसकी नजर, जब तक इन्वेस्टिगेशन का नतीजा नहीं आता, अदालत कोई फैसला नहीं देती, उससे पहले आप या कोई भी और शख्स, कोई भी सियासी लीडर किसी को कैसे क्लीन चिट दे सकता है? तो फिर मेरा सवाल आपसे ये बनेगा ना, बहुत एहतराम के साथ, अभी तो आप यही कह रहे हैं कि हम्माद सिद्दीकी इसमें इन्वॉल्व है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं है, अभी तो कोई नतीजे नहीं आया। जब आप ये बात कह रहे हैं यकीन के साथ, नहीं तो अदालत ने मफरूर करार दिया ना, जब आप अदालत में पेश नहीं होते, बार बार आप इग्नोर करते हैं अदालत के नोटिस को, तो फिर आप मफरूर हो जाते हैं, फिर आपके वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं, तो उस जुर्म का इर्तिकाब तो आप कर बैठते हैं। मैं बिल्कुल, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि मैं ठीक है ना, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू पे आपके साथ हूँ कि अदालतें आज जिस तरह से अपना किरदार अदा कर रही हैं, बिल्कुल आप आज तो वो गिरफ्तार हो गए ना, लेकर आइए उनको यहाँ पर,
इंसाफ कीजिए, इंसाफ के बाद इंसाफ, जो बिल्कुल जो गैर जानेदार हो, ये ना हो कि क्योंकि हाई प्रोफाइल केस था, 250 लोग इसमें जान भाग हो गए थे, इसके इसके मालिकान की इन्वेस्टिगेशन कहाँ चली गई, वहां पर क्या हुआ, किस तरह से वो छोड़ के चले गए, और सारी सूरत हाल उसमें मैंने कहा ना, अगर जो भी मुजरिम है, अगर उसके मालिक भी अगर इसमें मुलविस नहीं है तो उनके साथ ही इंसाफ होना चाहिए, किसी के साथ ज्यादती ना हो, बिल्कुल इंसाफ हो। लेकिन आप कहने का वो गिरफ्तार हो गए, अब उन्हें यहाँ लाया जाए, जब गिरफ्तार हो गए तो आप कह रहे हैं कि अब उन्हें यहाँ लाया जाए, लेकिन इससे पहले आपने शायद ये नहीं कहा कि उनको गिरफ्तार करके यहाँ लाया जाए, केस की तहकीकात की जाए, केस खत्म किया जाए ताकि इंसाफ मिले उसके लवाहिकीन को। देखिए अरबाब भाई, मैं हम शुरू दिन से ये बात कह रहे हैं, देखिए मैं गवर्नमेंट नहीं हूँ, मैं कोई इदारा नहीं हूँ, अदालत के हुक्म पर भी अगर तामील नहीं हो रही है तो मेरी क्या, मैं तो बहुत सारी बातें कर रहा हूँ, मैं तो अल्ताफ हुसैन के लिए कह रहा हूँ कि रॉ का एजेंट है, वो रॉ से पैसे ले रहा है, क्या हुकूमत आज भी कोई कारण, 22 अगस्त को अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा दिए, फारूक सत्तार बैठ के वहाँ जी भाई नहीं सिर्फ कह रहे थे बल्कि ये भी कह रहे थे कि हमारा भी दिल नहीं चाहता पाकिस्तान के हाथ में नारे, उसके बावजूद भी जो है ना आज भी हुकूमत जो है ना वो हाथ पे हाथ धर के। वसीम साहब, हम्माद सिद्दीकी भी तो माजी में उसी पार्टी का हिस्सा रहे ना, एक पार्टी रहनुमा को इतनी क्लीन चिट और बाकियों पर इल्जाम की बारिश। नहीं, मैं देखिए ना, मैं तो आप अभी तो अहबाब आप पर्टिकुलर इस केस के हवाले से बात करें तो मैं इस हवाले से बात कर रहा हूँ, मैं तो देखिए जहाँ अदालत के साथ जिसका भी केस है वहाँ पर तो कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए, लेकिन हमारी इसमें सिर्फ हमारा सिर्फ ये कि हमारा यकीन ये कि माँ सिद्दीकी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो लेकिन अगर कहीं खुदा ना खास कर इसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट निकलती है और वो अगर वो सबूत आ जाते हैं और वो खुद एक्सेप्ट कर लेते हैं तो यकीनी तौर पर हम तो अदालत के साथ खड़े होंगे, हम तो इंसाफ के साथ खड़े होंगे। वसीम साहब, हमाद सिद्दीकी सिर्फ सानिया बल्दिया टाउन फैक्ट्री केस में मुलव्वस नहीं या किसी भी केस में मुलव्वस नहीं, कभी उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। देखिए मैं अरबाब भाई, देखें ये वो वाली बात हुई ना, हम तो अगर हम बहुत सारे गुमान पर के बात करें तो फिर पाकिस्तान का मैं हर इंसान बशरी कमजोर है, उसमें बशरी कमजोरियां होंगी, मुझमें भी होंगी, आप में भी होंगी, तो इस हिसाब से तो फिर कोई भी नहीं बचेगा। मैं तो अभी इस पर्टिकुलर इस केस की बात हो रही, मैं सिर्फ इसी केस के ऊपर रह के बात कर रहा हूँ, अगर कोई दूसरी बात होगी तो डेफिनेटली मैं उसकी स्थिति कर सकता हूँ, जो मैं जानता हूँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वसीम साहब, हैरत इसी बात पर तो है कि आप लोगों की जानिब से जो इतनी ज्यादा हिमायत सामने आ रही है, खासतौर पर मुस्तफा कमाल की जानिब से, खुद उनकी जानिब से, चूंकि आज का जो दौर है, आज के दौर में तो इंसान अपनी गारंटी नहीं दे सकता कि कल को वो कोई गलत काम ना कर दे, और उस दौर में, आज के ऐसे दौर में किसी दूसरे की ऐसी गारंटी देना कि नहीं जी उसने ये काम नहीं किया, उसको इतनी क्लीन चिट दे देना, इस मामले से बाहर निकाल देना उसको। अरबाब, मैंने यही, हम लोग मुस्तफा कमाल और हमने काम ही यही किया, खतरनाक काम लिया है, लोग फरिश्तों पे तबलीग करना चाहते हैं, हमने कहा कि फरिश्तों पे तबलीग करने नहीं आए, हम तो माशरे के खराब लोगों को सही करना चाहते हैं कि यही पाकिस्तान का अच्छा रोल होगा अगर ये लोग इनकी मजबूत सलाहियतें पाकिस्तान के फेवर में इस्तेमाल होंगी। जिस केस के बारे में आप कह रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि उसमें वो इन्वॉल्व नहीं है, तो अगर अदालत उसके बरखिलाफ कोई चीज लेकर आती है, मैं अदालत तो पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ, लेकिन अगर कोई दूसरी चीज आ रही है जिसके बारे में मुझे पता नहीं, मैं उसकी बात नहीं करूंगा, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, दूसरे लोगों में से कि अगर हवा देखते जो ना रुख बदल लूंगा, मैं जहाँ पर खड़ा हूँ आज उसको स्टैंड कर रहा हूँ कि नहीं भाई ये चीज सही है और ये चीज गलत है, उस पर जहाँ कहीं भी अगर आप जैसे मेरे भाई सलाह करेंगे नहीं आपकी गलत बात है, मैं अपनी फौरी सलाह करूंगा, मैं अपने अंदर हमेशा ये सोच रखूंगा कि अगर मेरा कोई भाई, मेरा दोस्त मुझे कोई अच्छी बात कह रहा है, मुझे कोई अच्छा मशवरा दे रहा है, ये मुल्क के लिए बेहतर है, तो मुझे उसको मानना चाहिए और हम अपना दरवाजा। ये बताइए, हमाद सिद्दीकी साहब ने पीएसपी क्यों ज्वाइन नहीं की, क्या उनको आपने ऑफर नहीं की, बुलाया नहीं, मुस्तफा कमाल साहब ने उनको मुलाकातें नहीं हुई उसके बाद जब से पीएसपी का कायम अमल में आया? देखिए अरबाब भाई, हम सब लोग 2013 में एमपी छोड़ के चले गए थे, कौन कहाँ पर है किसी को कुछ नहीं पता, सबके बारे में तो ये था कि बहुत सारे लोग दुबई में थे वो भी रह रहे होंगे, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं है, किसी ने कुछ रास्ता नहीं किया है, इस हवाले से कोई चीज नहीं है, और क्योंकि वो दुबई में थे, किसी से रास्ता नहीं था, जो सूरत हाल वो खुद भी आगे पीछे हुए थे, जो सूरत हाल थी ज्यादा बड़े थे पीएसपी में, तो उन्होंने सवाई खुद भी कह रहे ना, वो हमारे कारकुन है ना, हमारे जिम्मेदार है, लेकिन सिर्फ पर्टिकुलर इस केस के हवाले से हम सब जानते हैं, यानी गुज़िश्ते 4 साल से कोई रास्ता नहीं था पीएसपी का या मुस्तफा कमाल का, पीएसपी के लोगों का हमाद सिद्दीकी के साथ? मेरा तो कम अज कम नहीं था ना, मैं अपनी बात कहूंगा, मेरा बिल्कुल रास्ता नहीं था। और वसीम साहब, फिर सवाल उठता है ना कि बगैर किसी रابطے के इतने अरसे से कोई रابطہ नहीं और फिर भी इतना अंधा यकीन, इतना अंधा एतमाद। ये सानिया हम लोगों के एमक्यूएम के दौर का सानिया, इस वजह से हम ये बात करें, किसी और, मैंने कहा ना कि मैं इस वाकई के बारे में मुझे पता है, अच्छी की मैं बात कर रहा हूँ, देखिए ये सानिया बल्दिया फैक्ट्री का बहुत बड़ा सानिया और इसमें बहुत सारे लोग हैं जो इससे मुतासिर हुए हैं, इसमें उस वक्त की हुकूमत के भी लोग हैं, बहुत सारे ताने, मैंने कहा ना कि एक साफ शफाफ इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है और ये मौका है पाकिस्तान के अंदर, अदालतें इस वक्त जिस तरह से काम कर रही हैं, मैं अच्छा गुमान रखता हूँ, मेरा यकीन है कि इस पर बिल्कुल सही काम होगा,
सही सिंह में डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन होगी तो वो मुजरिम जिन्होंने ये जुर्म किया है वो उनके चेहरे पर जरूर नकाब उतरेगा। अच्छा, अब तक जितने भी इस केस में जाहिर जो गिरफ्तार लोग हैं जिसमें जुबैर उर्फ चरिया, शकील छोटा, रहमान भोला, रहमान भोला ने तो बड़ा वाजे तौर पर नाम लिया था हमाद सिद्दीकी का कि उनके हुक्म पर आग लगाई गई, जाहिर के खुद उन्होंने नहीं लगाई लेकिन हुक्म तो उन्होंने दिया। बहरहाल अब इन बयानात को हम कैसे 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 लेंगे फिर इन बयानात को? मैं अरबाब, मैं इसलिए मैं देखें आप जैसे बड़े नामवर साथी हैं, माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा होता है। देखें हमारे मुल्क की जो हमारी इन्वेस्टिगेशन की जो तारीख है इन इदारों की कोई बहुत अच्छी नहीं है, और लेकिन इसमें बहुत अच्छे भी लोग हैं, GIT ने जबरदस्त काम। इसमें कह रहा हूँ कि आज के हालात के अंदर देखिए ना, इस फैक्ट्री के जो मालिकान थे उनकी इन्वेस्टिगेशन कैसे कहाँ पर, किसी को कुछ पता है वो सब क्या है, वो कैसे हो गया, वो बाहर कैसे चले गए, उन पर भी अदालत में कहीं कोई बात हुई थी, कुछ कोई तस्करा कहीं आता है। एक आदमी क्योंकि वो बहुत कमजोरी का एक तारे इसके माने में इस्तेमाल करूँ, क्योंकि उसकी पत्नी कैसे नजर आ रही है, क्योंकि सब मिलके इस वक्त जो वो अम्मा सिद्दीकी बन गया है सिटिंग बैक है, तो इसी को थोड़ा सफाई कर रहे हैं। कह रहा इससे हम क्या चाहते हैं कि एक शफाफ इन्वेस्टिगेशन हो जिसमें किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, जिसमें हर इंसान को उसका राइट मिले कि वो अपना डिफेंड कर सके अपने आप के, अगर वो बेगुनाह है तो उसको ये हक उसे पूरी शफाफ इंतखाबात शफाफ इन्वेस्टिगेशन के बाद, शफाफ तहकीकात के बाद अगर हमाद सिद्दीकी के खिलाफ अदालत फैसला देती है तो फिर आप अपने मौकिफ को गलत तस्लीम करेंगे, फिर माफी मांगेंगे जैसा आप खुद भी कह रहे हैं, जैसा मुस्तफा कमाल भी कह चुके हैं। हमने तो पहले कह दिया भाई हम आपके साथ खड़े होंगे, इंसाफ के साथ, अदालत के साथ खड़े होंगे, आपके साथ खड़े होंगे, बिल्कुल बिल्कुल माफी मांगेंगे भाई, हमारा यकीन गलत है। मैंने कहा अगर कोई भाई मुझे बता देगा आप गलत है और मैं मेरे अंदर इतना गर्व होना चाहिए, अगर मैं अच्छा इंसान हूँ तो मैं आपकी बात मांगू, तस्लीम करूँ कि नहीं मुझसे गलती हो गई है, मैं अपनी बिल्कुल इतला करूंगा। अच्छा चलिए, बड़ी अच्छी बात आपने की कि आप जाहिर इसलाह करेंगे। थोड़ी सी कराची की सियासत पर भी बात कर लेते हैं। MQM के कौन कौन से रहनुमाओं से अब रबते में PSP, चूंकि मुस्तफा कमाल साहब भी और दीगर रहनुमा भी अक्सर ये कहते रहते हैं कि अभी फला शख्स हमें ज्वाइन करने वाला है, वो तो फारूक सत्तार साहब के बारे में भी ये कहते हैं कि फारूक भाई भी हमारे पास आएंगे और हमें ज्वाइन करेंगे। अच्छा इसमें अरबाब में आपसे कह रहे पुलिस के ये जो एक जो तस्वूर है मैं इसके पीछे से पूरी बताता हूँ। दरअसल हम तो देखें मुस्तफा कमाल जब आए थे वो तो आई थी ये बात कहते हुए हैं कि हमें लोगों को मैं मिलाने के लिए आया हूँ, मेरा कोई मुखालिफ नहीं है, सब मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, इस मुल्क में रहने वाला हर वो शख्स जो पाकिस्तानी झंडे को तस्लीम करता मेरा भाई, तो हमारी तो शुरू दिन से कोई यही बात है। अच्छा ये चूंकि अल्ताफ हुसैन का नैरेटिव है कि जो उनका मुखालिफ है उससे तो फिर हर तरह का बायकॉट करना है, क्योंकि जैसे लीडरशिप जब मिलती है तो नीचे का कारकुन जो है उसकी वो थोड़ा सा नॉर्मल होता है, हीट होती है ग्राउंड के ऊपर, वो आपस में आप देखते हैं सियासी जमात के कारकुन आपस में लड़ गए, झगड़ा हो गया, झंडे इसलिए तो होता है कि क्योंकि ऊपर वो दिखा रहे होते हैं कि भाई हम बड़े शदीद दुश्मन हैं, तो हम इनमें से कोई भी शख्स ऐसा नहीं है में ना हो जो मिलता ना हो, लेकिन ये बार बार तरकीब इसलिए करते हैं कि उस कारकुन को बताना चाहते हैं कि नहीं भाई हमें लड़ना ही है, हम अल्ताफ हुसैन की पॉलिसी को आज भी फॉलो कर उन्हीं की हम जो हम कह रहे हैं गठजोड़ नहीं कर सकती, अल्ताफ हुसैन की पॉलिसी थी कि भाई किसी से नहीं मिलना, जो मुखालिफ है बस वो दुश्मन है, उसको दुश्मन की तरह ट्रीट करना है, तो ये तासर उस कारकुन को देने के लिए ताकि उसको तैयार किया जाए झगड़े के लिए, लड़ाई के लिए, वरना जब ये तो मेरे महलों में मिल रहे हैं तो भाई ये नॉर्मल करने की जरूरत है ना, ये यानी कि इतनी अजीब सी बात है कि एक माशरे के दो अफसर मतलब दुश्मनों की तरह रहेंगे शहर के अंदर, भाई मिले मुलाकात करें, आप अपनी सियासत करें, अपनी सियासत ठीक है, वो अपनी सियासत करें, आप अपनी सियासत करें। वसीम आफ्ताब साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। PSP के रहनुमा वसीम आफ्ताब हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये था कि अगर हमाद सिद्दीकी को अदालत की जानिब से कोई भी सजा होती है तो वो अपने मौकिफ को गलत तस्लीम होने पर कौम से माफी भी मांगेंगे, चूंकि अभी तक उनकी जानिब से हमाद सिद्दीकी को डिफेंड किया जा रहा है, ना सिर्फ उनकी जानिब से उनके पार्टी कायद की जानिब से भी इस वक्त हमाद सिद्दीकी को डिफेंड किया जा रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आकर MQM का मौकिफ भी इसी पर लेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सानिया बल्दिया टाउन फैक्ट्री के मरकजी किरदार हमाद सिद्दीकी को गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन पाक सरजमीन पार्टी अपने आज भी गुज़िश्ता एक साल पहले के मौकिफ पर ही कायम है और उनको क्लीन चिट दे रही है। PSP का मौकिफ तो भी आपने ब्रेक से पहले सुनी लिया था, अब जरा MQM पाकिस्तान के बात कर लेते हैं, उनका इस पर क्या मौकिफ है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा साजिद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद साहब बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ये बताएगा कि हमाद सिद्दीकी साहब गिरफ्तार हो चुके हैं, जाहिर है कि अब वो आपकी पार्टी में शामिल नहीं है, लेकिन उनकी इस गिरफ्तारी को आप कैसे देख रहे हैं? सानिया बल्दिया टाउन के मरकजी किरदार के तौर पर उन्हें कहा जा रहा है, चूंकि रहमान भोला ने यही बयान दिया था कि उनके हुक्म पर आग लगाई गई, आपको भी ऐसे लगता है कि वो बयान दुरुस्त था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसमें कोई शक नहीं कि सानिया बल्दिया टाउन का वाकया एक बहुत बड़ा सानिया है और बहुत बड़ा जुल्म हुआ है उन लोगों के साथ,
जो कि 280 लोग वहाँ जिंदा जला दिए गए थे, यानी कि 280 खानदान जले हैं वो, 280 फैमिलीज जली हैं वो, वो कोई मामूली वाकया नहीं है। एम क्यू एम का इस हवाले से स्टांस बिल्कुल क्लियर है, वाजह है कि जो भी इस थाने के अंदर इन्वॉल्व है उसको उसको बलिया टाउन फैक्ट्री के सामने फांसी दी जाए और उनको बख्शा ना जाए, क्योंकि इंसानी तारीख का बहुत बड़ा सानिया है। अल्लाह ताला रहम करे, ऐसे सानियात अगर किसी ममालिक के अंदर हो तो वहाँ तो फौरी तौर पर वहाँ की हुकूमतें, वहाँ के इदारे स्टैंड ले लेते हैं और मुजरिमों को जो भी कल्प्रिट्स होते हैं उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार करके उनको लाकर कटहरे में खड़ा कर दिया जाता है। एम क्यू एम के इस हवाले से बिल्कुल क्लियर स्टांस है कि इसमें जो भी इन्वॉल्व हो, अगर मेरा भाई भी इसमें इन्वॉल्व हो तो उसको भी ना छोड़ा जाए, क्योंकि ये इंसानों पर, अल्लाह के बंदों पर बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। साजिद साहब, अगर हमाद सिद्दीकी जब पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान आते हैं, तहकीकात होती है और अगर एम क्यू एम पाकिस्तान के रहनुमाओं का नाम लेते हैं कि वो भी इसमें कुछ मुलव्वस थे, जाहिर है क्योंकि हमाद सिद्दीकी भी ताल्लुक तो एम क्यू एम पाकिस्तान से ही था, एम क्यू एम से था, तो फिर भी आपका ये मौकफ रहेगा? बिल्कुल, एम क्यू एम पाकिस्तान का वाज मौकफ है कि इस सानिये के अंदर जो भी एक्स वाई जेड जो भी पार्टी के कोई फर्द, कोई शख्स इन्वॉल्व हो, उसको बिल्कुल उसको पकड़ें, उसको इंटीग्रेट करें और उसको पाए तकमील तक पहुंचाएं, इस केस को पाए तकमील तक पहुंचाएं। अच्छा, दूसरा आपने भी कहा कि मुस्तफा कमाल साहब उनको क्लीन चिट दे रहे हैं। मेरे ख्याल में किसी को भी वक्त से पहले किसी को क्लीन चिट नहीं देनी चाहिए और वक्त से पहले हमें किसी को मुजरिम भी साबित नहीं करना चाहिए। अच्छा, इन अदालतों का इन इल्जाम का फैसला, जो केस है, इस केस का फैसला बाकायदा तौर पर अभी अदालतों में जाएगा और इसका बाकायदा फैसला अदालतों ने करना है। तो अदालतें ही किसी को क्लीन चिट दे सकती हैं, अदालतें ही किसी को मुल्ज़िम या मुजरिम करार दे सकती हैं। तो मेरे ख्याल में अभी एक प्रोसेस बाकी है अदालतों में जाने का, वहाँ ये बाकायदा केस चलेगा और उसके बाद कहीं जाके पाए तकबील तक पहुंचेगा। जहां तक जेआईटी की बात है कि इसमें कोई शक नहीं कि बिल्कुल, हमने भी सुना, देखा इसको मीडिया पर कि भोला ने उसने स्टेटमेंट इस टाइप के दिए हैं कि फला फला लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन हमारा सवाल भी ये है कि जेआईटी अदालतों में पहुंचने से पहले कहीं और क्यों चले? अच्छा, साजिद साहब, मुस्तफा कमाल ऐसा क्यों कह रहे हैं और क्यों इतना आउट ऑफ द वे जाकर डिफेंड कर रहे हैं हमाद सिद्दीकी को, इसका जवाब मैं आपसे लेता हूँ। एक बहुत ही मुख्तसर ब्रेक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, एक मुख्तसर ब्रेक। आज स्पेशल में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। हमाद सिद्दीकी की गिरफ्तारी से मुतालिक हम गुफ्तगू कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के रहनुमा साजिद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो साजिद साहब, ब्रेक से पहले आपके पास मैंने सवाल छोड़ा था कि क्यों इस वक्त मुस्तफा कमाल और पीएसपी इतनी ज़्यादा हिमायत करिए, वजह क्या आपको नजर आती है? क्या पुराने दौर में दोस्ती ज़्यादा रही है, वर्किंग रिलेशनशिप अच्छा रहा है, क्यों वो क्लीन चिट दे रहे हैं उनको, वजह मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे। अच्छा, वर्किंग तो अच्छी रही है और दोस्तियाँ भी एक दूसरे के साथ रही हैं, लेकिन अभी मैं थोड़ी देर पहले एक प्रोग्राम में था, वहाँ पीएसपी के रहनुमा कह रहे थे कि मां सिद्दीकी हमारे कारकुन नहीं है। तो जब कारकुन नहीं है तो इतना बढ़कर, क्योंकि इस अभी यहां वसीम आफताब साहब मौजूद थे, साजिद साहब से पहले वो भी यही कह रहे थे। अच्छा, क्योंकि इस फेस देखिए, इस केस का फैसला अदालतों ने करना है, इस केस का फैसला अदालतें करेंगी। अगर हम इस एंगल से देखें कि रहमान भोला की जो अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि जो उसने जेआईटी उसकी आई है उसमें तो वो कुछ और कह रहा है, इस हवाले से तो केस कहीं और किसी और तरफ जा रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ वक्तों के अंदर, मिसाल के तौर पर मुझे अच्छी तरह याद है कि पिछले अदवार के अंदर जब नून लीग की गवर्नमेंट गिराई गई थी तो एक लॉन्ड्री मशीन बनी थी, खाफ लीग बनी थी। वो अलग बात है कि क्लियर करके बाद में निकाल कर और इनमें शामिल कर दीजिए, ये जरूर हो सकता है, लेकिन वक्त से पहले किसी को भी इतनी क्लीन चिट नहीं देनी चाहिए। कि क्लीन चिट अगर कोई देगा तो मेरे ख्याल में अदालतें देंगी, बाकायदा वहाँ केस प्रोसीड होगा, गवाह आएंगे, लोग आएंगे, फैक्ट्री मालकान आएंगे, तो वो फैक्ट्री मालकान जो कि इस वक्त मुल्क से शायद बाहर है उनको ही बुलाया जाए, उनसे भी पूछा जाए, क्योंकि एक डील की कहानी हमने सुनी थी कि इस हवाले से कोई डील हुई थी, कुछ पैसे मांगे जा रहे थे, तो पूरी स्टोरी सामने आनी चाहिए, क्योंकि ये बल्दिया टाउन साना बल्दिया टाउन फैक्ट्री का मामला एक बहुत स्टोरी के तौर पर मुख्तलिफ अखबार में, मीडिया पर जगह जगह डिस्कस हुआ है, तो इसके हजारों पॉइंट इसमें से निकले हैं, हजारों पॉइंट पर डिस्कस होना है। मेरे ख्याल में इस केस का फैसला अदालतें करेंगी। साहब, अब जरा कुछ दीगर मामलात की बात करते हैं। जो बानी एमक्यूएम की इश्तियाल अंगेज तकरीर थी, मीडिया हाउसेस पर हमला केस था, उसमें अब एक नई जेआईटी बनाई गई है जो कि आमिर खान साहब और फारूक सत्तार साहब से तफ्तीश करेगी, क्या मौकफ है एमक्यूएम का उस जेआईटी पर, मुकम्मल ताबून किया जाएगा? देखिए, मेरे ख्याल में ताबून तो हम करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत बड़ी ज्यादती है, बहुत बड़ी नाइंसाफी है कि सबको पता है कि
22 तारीख को जो कुछ भी हुआ वहां पर, वो कोई फारूक भाई ने या आमिर खान भाई ने कोई अच्छी बात वहां नहीं कही कि जिससे तासुर दिया जाए कि उन्होंने नारा लगाया। लेकिन बहरहाल, लेकिन उस मौके पर साजिद साहब इख्तलाफ भी तो नहीं किया था ना? नहीं नहीं, उस मौके पर इख्तलाफ उस वक्त कर भी नहीं सकते थे, इसलिए कि एक रहनुमा एक पार्टी लीडर ऐसी बात कर रहा है। लेकिन बाद में जैसे सबको मौका मिला, जहाँ पाकिस्तान की बात आई, जहाँ इस जमीन की बात आई, इस जमीन को गाड़ी देने के हवाले से बात आई, पाकिस्तान की बाउंड्री की बात आई, तो वह फौरी तौर पर एक बड़े तबके ने मुतहदा फ्रंट पाकिस्तान के, उसमें MNA, MPA, सेनेटर्स, बल्दियाती नुमाइंदे, MQM के सेक्टर यूनिट के कारकुनान और एक बहुत बड़ी तादाद एक फौरी तौर पर अलग हो गई। मेरे ख्याल में इस पॉइंट को ऐसे देखना चाहिए कि एक बहुत बड़ी तादाद ने मुहिब वतन होने का सबूत पेश किया है और अपने आप को प्रूव किया है कि एक ऐसे मौके पर। तो साजिद साहब, फिर JIT के बनने पर एतराज क्यों है? JIT अच्छा बनी है, तहकीकात होंगी, तफ्तीश होंगी, उसके बाद अपने आप को क्लियर कराएं और ज्यादा अपने आप को मुहिब वतन पाकिस्तानी साबित करें। मेरे ख्याल में पूरी जिंदगी क्या मुहाजिरों का ये काम है कि अपने आप को मुहिब वतन हम साबित करते रहें, बार बार हमारे खिलाफ लोगों को खड़ा किया जाए, सामने लाया जाए। खान में कोई जवाब नहीं है। आज से पहले भी तो बड़े बड़े मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल दूं, थाना हैदराबाद का वाक्य हुआ, उसमें हजारों लोग मारे गए थे, उसमें उसमें जो लोग कादिर मक्सी वगैरह इन्वॉल्व थे सब बरियों के बाहर बैठे हुए हैं, किसी को पनिश नहीं किया गया। थाना अलीगढ़ का वाक्य हुआ, सोराब कोर्ट का वाक्य हुआ, हजारों माजरों को मार दिया गया। ग्रीन टाउन का वाक्य हुआ, हजारों माजर वहाँ शहीद हुए। कहीं एग्जाम्पल ये नहीं मिलेगी कि महाजनों ने किसी आबादी पर हमला किया, बल्कि ये एग्जाम्पल है कि दूसरी पार्टियों ने, दूसरे क्रिमिनल लोगों ने अटैक किया, लेकिन आज तक उनको पनिश नहीं किया गया। तो सारे असूल के हमारे लिए, हमने तो एक बहुत बड़ा फैसला किया कि अपने कायद को छोड़ा है, अपने कायद को छोड़ा है, अपनी जानों के हमारे लाले पड़ गए हैं उसके बाद से, लेकिन फिर भी हम अपनी जगह खड़े हैं इस मुल्क के साथ। तो क्या अब अपना अपनी गर्दन कटवा के बताएं या अपना सीरा चीर के बताएं कि अब हम पाकिस्तान के साथ हैं? मेरे ख्याल में किसी के ऊपर वर्ती में शक नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा स्टैंड लिया है, माफ करें और आगे बढ़े। कब तक हम माजी के अंदर रहेंगे, कब तक ये JIT बनती रहेंगी, कब तक इन्वॉल्व करते रहेंगे? मेरे ख्याल में इस पर प्रेशर है, इस प्रेशर को खत्म किया जाए, कि माजी से निकल के आगे बढ़ना होगा। साजिद अहमद साहब बहुत शुक्रिया इस मौजू पर जो आपने आखिरी सवाल में तमाम तरह मौजूद उठाया। आप फिर कभी प्रोग्राम रखेंगे और डिटेल से ही बात करेंगे, आज आप हमारे प्रोग्राम में बहुत शुक्रिया। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कल के उस बड़े इवेंट की बात करेंगे जो कि लाहौर में हो रहा है। श्रीलंकन टीम ने लाहौर में T20 मैच खेलना है और अब पाकिस्तान के मैदान बाकायदा तौर पर आबाद हो चुके हैं, ये कहना गलत नहीं होगा, चूंकि अब एक इंटरनेशनल टीम, वर्ल्ड लेवल की टीम तो पहले आई थी लेकिन अब एक नेशनल टीम पाकिस्तान खेलने आ रही है और इसी मौजू पर बात करेंगे। और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे PCB के साबिक चेयरमैन शहरयार खान साहब। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हाल हो जाएगी आज स्पेशल से, फिलहाल इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।